हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल नीलम रावत सिंपल टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मिल्क ओट्स, जो कि ब्रेकफास्ट में अगर आपको वेट लॉस करना है और हेल्थ की दृष्टि से भी काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट है। तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाने के लिए मैंने क्या लिया है। यहाँ पर मैंने सफोला ओट्स लिए हैं, जिसमें कि कोई फ्लेवर्स नहीं है, सादा वाले हैं। और यहाँ मैंने एक कटोरी जो है, इस तरह के पैकेट है, ये छोटे पैकेट में भी आते हैं 10 रुपये का, आप चाहें तो, और इस तरह का आप मंगा के रख लें तो आराम से 1 महीना चल जाता है वो। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी जो है ओट्स निकाल के रख लिए हैं। और इसके लिए हमको चाहिए चीनी यानी कि शुगर, और 1 गिलास मैंने दूध निकाल के रखा है जो मैंने बॉईल करके रखा हुआ है, और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। तो यहाँ पर गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है। तो दूध डालने से पहले फ्रेंड्स, अगर हम इसमें पानी डाल देते हैं थोड़ा सा, तो नीचे जो है दूध लगता नहीं है। आप चाहें तो भगोनी में भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर नॉनस्टिक जो कढ़ाई है उसमें बना रही हूँ। तो यहाँ पर दूध भी मैंने डाल दिया है, फुल क्रीम दूध है 1 गिलास। और इसके साथ ही फ्रेंड्स, इसमें मैं 1/2 गिलास जो है पानी डाल दूँगी इसमें, और 1 कॉल आने तक, उबाल आएगा तब तक इसको चलाते रहना है लगातार। और दूसरा ये भी है फ्रेंड्स कि ये जल्दी काफ़ी बन जाता है, 2-3 मिनट के अंदर बनकर ये तैयार हो जाता है ब्रेकफास्ट के लिए। तो यहाँ पर एक उबाल जो है आ चुका है, तो गैस का फ्लेम जो है मैं सिम ही रखूँगी। और यहाँ पर ओट्स जो है इस तरह के हैं, मैं इसमें डाल दे रही हूँ 1 कटोरी जो निकाल के रखे थे। और अब इसको मैं चलाती रहूँगी, और गैस का फ्लेम जो है सिम ही रखें, जिससे आराम से ये पकते रहें। और फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे चैनल पर अगर न्यू हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेड बटन को दबाकर, और उसके आगे जो बेल आइकन दी है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर चलाते चलाते ये धीरे धीरे जो है गाढ़ा होना चालू हो जाता है, बस 2-3 मिनट के अंदर ही। और किनारी से इस तरह से मलाई को जो लग जाती है उसको भी निकालते रहना है। और यदि ये शुगर है, ब्लड शुगर वगैरह, उसको कंट्रोल भी ये काफ़ी करने में सहायक है। और वेट लॉस के लिए तो बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो बहुत जल्दी वेट लॉस जो है ये हो जाता है ब्रेकफास्ट में, अगर आप खाते हैं डेली। तो ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हो गया है, और दबा कर भी मैंने देखा ये बन गए हैं। और तो यहाँ पर मैं सिर्फ 2 चम्मच जो शुगर है चीनी को मैं ऐड कर रही हूँ। और अगर आप चाहें तो चीनी की जगह ये जब बन जाता है उसके बाद ऊपर से जो है 1 चम्मच या 2 चम्मच जो है शहद यानी कि हनी भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने शुगर ऐड की है। और अगर आप शुगर नहीं खाना चाहते तो हनी डाल लें बाद में। और बस चीनी को मैं मिक्स कर दूंगी, मिला लूंगी। और यहाँ पर जो मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए थे ये बनकर तैयार हो गया है, 2-3 मिनट पकाना है बस, उतने में ही बनकर ये तैयार हो जाता है। और ड्राई फ्रूट्स सभी डाल देंगे, और जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो वो सभी इसमें डाल दें। और अगर आप ड्राई फ्रूट्स स्किप करना चाहते हैं, नहीं डालना चाहते, तो उसके बिना भी काफ़ी अच्छा और टेस्टी डिलीशियस बनता है ये। तो बस ये बनकर रेडी है, और मैं सर्व करने के लिए एक बाउल में निकाल लिया है। तो इसको मैं ऊपर से भी थोड़े से बादाम, काजू और किशमिश डालकर इस तरह से तैयार कर रही हूँ। और आप इस जगह चाहें तो केला कट करके भी डाल दें तो और भी टेस्टी लगता है। तो ये सर्व करने के लिए तैयार है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये मिल्क ओट्स की जो रेसिपी है अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जल्दी से जाकर लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और उसके आगे जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।